चौराहे वाली माता, जिन्हें हम माता मसानी के नाम से भी जानते हैं, और जिन्हें हम एक ऐसे रूप के बारे में भी जानते हैं जिसे भाई कहा जाता है कि माँ के ऊपर मुर्गा, सुअर, बकरा आदि की बलि चढ़ती है। कौन कौन माता मसानी का इतिहास जानते हैं? क्या आप लोगों को पता है जब हम माता रानी के ऊपर बकरा, सुअर या मुर्गा चढ़ाते हैं, क्या माई रानी उसको स्वीकार कर भी रही है या नहीं कर रही, या माँ के साथ कोई ऐसी शक्ति चलती है जो वो सेवन करती है? आज मैं आपको खुल के सारी चीज समझाऊंगा भी और बताऊंगा भी किस तरीके से जो लोग सात्विक है, जिन्होंने कभी भी अंडा, मुर्गा, बकरा नहीं दिया, और किस तरीके से यहाँ पे फंस जाते हैं भक्तों के चक्कर में आके। क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ना तो आपको इस बारे में पता होगा जो मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ना ही आपने कभी सुना होगा। आज मैं आपको माँ मसानी का स्टार्टिंग का इतिहास बताऊंगा कि माँ मसानी कौन शक्ति है, किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से अपने भक्तों का बेड़ा पार करती है। पर माँ को बदनाम कर दिया गया है, भाई तेरे ऊपर तो मसानी क्रिया है, तेरे घर में तो मसानी रोग है, और तेरे ऊपर तो मसानी क्रिया कर दी है, जिस कारण लोग बाग माता मसानी माता चौराहे वाली से डरने लग गए हैं, क्या पता इनका कोई रोग हमारे शरीर पे ना आ जाए। ये भक्तों के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है, जो अफवाह आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अगर आप माता मसानी के बारे में नहीं जानते, माता मसानी को आप नहीं जानते, माता मसानी पूर्ण रूप से एक सात्विक शक्ति है जो सात्विक भोग ही स्वीकार करती है और सात्विक ही सेवन करती है। पर लोगों ने अपने द्वारा परंपरा चला दी कि माता मसानी में तो बकरा चढ़ता है, माता मसानी में तो मुर्गा चढ़ता है, और जो लोग चढ़ाते हैं क्या वो जिंदगी में ठीक हो गए भाई, इस चीज की भी मैं आपसे पूछूंगा। तो वीडियो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दहिया दिल्ली दरबार से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके और जो भाई रोड पे सोता है उनके लिए खाने पीने तक कम इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो तो जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत, जिन्न, मसान, कोक बंधन, क्रिया बंधन, व्यापार बंधन, किसी भी तरह की दिक्कत क्यों ना हो, आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। किन किन की कुल देवी माता शीतला है और कौन कौन माता शीतला का इतिहास जानते हैं? हमने बस इतना सुना कि महाभारत में माँ शीतला के जो पति थे वो स्वर्गवास उनको प्रदान हो गया था, उसके बाद माता सती हुई थी, सती होने के बाद माता का मंदिर बना था, माता ने वरदान दिया था सती होते टाइम, जो भी मेरे मंदिर में आएगा, दोग करेगा, पूजा करेगा, उसके वर पूरे होंगे। पर माता चौगानन का इतिहास किसको पता होगा? कौन है माँ चौराहे वाली, आपने कभी सोचा है? माँ चौराहे वाली खुद माँ शीतला है, जो शीतला माता को वरदान मिला था। आपको पता है मां शीतला कृष्ण भगत थी, कृष्ण भगत थी मां शीतला। वो भाई जब भी कृष्ण गुड़गांव के अंदर आते थे, मां शीतला को पता नहीं चलता था, मां इंतजार करती थी कृष्ण जी आए, मैं उनके दर्शन करूं, पर कृष्ण जी के उनको दर्शन नहीं हो पाते थे। तो मां शीतला ने कृष्ण जी की आराधना की, पूजा की, पाठ किया, तो कृष्ण भगवान जी ने उनको दर्शन दिए, उनको एक वरदान दिया था कि जाओ आज से मैं जिस चौराहे से निकलूंगा ना, उस चौराहे पर आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि इस समय मैं यहां पर हूं। उस समय के बाद जहां भी कृष्ण जी गुड़गांव में आते, माता चौगानन को पहले ही पता लग जाता कि कृष्ण जी आ रहे, इस चौराहे को पार करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको चौराहे की रानी बना दिया था कृष्ण भगवान ने, वरदान दिया था मां शीतला को कि जहां से भी मैं निकलूंगा ना वहां से आपको पता लग जाएगा। अब उस चौराहे से कोई देवता भी निकलता हो या कोई भूत निकलता, प्रेत निकलता, आत्मा निकलता, तो वो पहले माता चौगानन की परमिशन लेनी जरूरी थी। कहा जाता है कि जब तक हम अपने घर के देवता को मनाते हैं, नाराज हो रखे हैं, रास्ते बंद हो रखे हैं, हम चौराहे वाली माता का भोग दे तो हमारे रास्ते खुलने लग जाते हैं, क्योंकि माँ चौराहे वाली खुश है वहां पे। हर चौराहे पे माँ की योगिनी वहां पे बैठी हुई है, माँ शीतला की योगिनियां बैठी हुई है, जो चौगानन माता के नाम से पूजी जाती है। कभी भी आपको एक चीज और क्लियर करूंगा, कभी भी चौगानन माई के साथ, माता शीतला के साथ भैरों की सवारी नहीं चलती, कभी भी भैरवनाथ जी माँ चौगानन के, माँ शीतला के साथ नहीं चलते। फिर भी कई भगत आपको इस तरीके के भोग दिलाते कि जा भाई भैरव जी का भोग आप चौराहे पे दिया, भैरव जी का भोग आप चौराहे पे दिया हो। और कई बार आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई हम बावरी पे कभी गए नहीं, हमने कभी बावरी की पूजा नहीं की, हमने कभी भोगा जहरवीर के पास हम गए नहीं, पर ये हमारे साथ चल कैसे लगे, उनकी सवारी आपको प्राप्त होने लग जाती है।
वो सवारी आपके शरीर पे आने लग जाती है। क्या कारण है इसका पीछे का, वो भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं अभी। माता शीतला की जो सेना है वो कौन है, माता की योगनिया और माता के पांच वीर। माता के पांच वीर हलमुत वीर हो गए भाई जी, ये हनुमान जी नहीं है, ये अलग वीर है भाई जी, इनका इतिहास कभी और वीडियो में आपको बताऊंगा। बावरिया हो गए, गोगा वीर हो गए, गोगा जहरवीर कहते जिन्हें हम, पांच वीर है माई रानी के, जो माई रानी के साथ चलते हैं। आप कभी भी किसी भी पीर के स्थान पे जाना, अपने हिंदू पीर के स्थान पे कहीं भी आप बावरी पे मुरथल धाम चले जाना, आप गोगा झारवीर पे चले जाना, गुग्गा मेरी वहां पे एक साइड में सबल सिंह बावरी का स्थान बना रखा, केसरमल बावरी का स्थान बना रखा, उनके साथ में माता मसानी का स्थान है। आप मुरथल जाना वहां भी माता मसानी का स्थान है, आप यहाँ पे सफेदो धाम चले जाना वहां भी माता मसानी का स्थान है। क्यों? और जहां माँ, आपको एक चीज बता देता हूं, जहां माँ शीतला के साथ माँ काली विराजमान है वहां भैरव विराजमान आपको मिलेगा। हम चौराहे पे कई बार क्या करते हैं कि भाई हम लड्डू के सैनक दे आते हैं, हम लड्डू का सैनक दिया है, लड्डू की सैनक दे आने के बाद हम सोचते हैं कि भाई हमारे ऊपर देवता की सवारी कैसे आ रही है, माँ ने हमारा रोग हर लिया। पर नहीं, चौराहे पे अगर आप लड्डू की सैनक दे के आते हो, लड्डू का भोग दे के आते हो, तो सबल सिंह बावरी का जाता है, उनके पांच वीरों का जाता है, जो भी चौराहे पे मौजूद है उन वीरों को वो भोग प्राप्त होता है। वो बावरी हो, आपके पीर साहब हो या हलमत वीर हो, वो उन पांच वीरों को प्राप्त होता है। ऐसी तरीके से पांच वीर हमारे हर समय है भाई। मुसलमान में चले जाओ वहां पे भाई पांच सैयद है, आप भाई जी सिख धर्म में चले जाओ तो पांच प्यादे है भाई जी, ये पांच प्यादे ही अपने ग्राम की, अपने शक्तियों की रक्षा करते हैं भाई। हर धर्म के अलग अलग पांच शक्तियां है। हम सोचते भाई माता मसानी पे हम तामसिक भोग दे के आते हैं, अब हमने तामसिक भोग दे दिया भाई, अंडा मुर्गा मीट मच्छी, क्या माता रानी स्वीकार करेगी? मैं आपकी आज गलत फहमी दूर करूंगा भाई जी। माता चुगानन, जिन्हें हम मसानी माता चुराहे वाली माता के नाम से भी जानते हैं, चुगानन माता को, चुराहे वाली माता, माता खुद चुराहे वाली किरसन भगत थी भाई जी, जो सात्विक परंपरा थी हमारे महाभारत में। कहीं भी आप एक बात बताना, कहीं भी किरसन भगवान को आपने तामसिक भोग का सेवन करते हुए देखा है, कहीं भी देखा हो, जिनके इष्ट देव ही कृष्ण भगवान हो और कृष्ण की पूजा करती हो और कृष्ण ने उनको शक्तियों का वरदान दिया हो, क्या वो शक्ति कभी तामसिक भोग ले सकती है? कृष्ण जी के बाद तो श्याम बाबा भी थे भाई जी भगत, जिनको वरदान दिया था, क्या उनके धाम पे तामसिक भोग चढ़ता है? नहीं चढ़ता, क्यों? उस समय ये बहुत पुरानी बात है, मुगलों ने माता के मंदिर पे आक्रमण कर दिया था, तो वहां पे एक चुगानी पीर का भी आपने नाम सुना होगा भाई, जिसका खुद माँ शीतला ने गला काटा था और लास्ट में रेंगता हुआ माँ के चरणों में आया था कि माई रानी मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझसे गलती हो गई थी आपको पहचानने में, आपकी शक्ति को पहचानने में। तो माई रानी ने बोला जा आज से मेरे साथ तू भी पूजेगा। तो एक तो चुगानी पीर हो गया माई के, उसमें जिनमें वीरों में आते हैं जो भाई, तो माई रानी का वरदान जो मुस्लिम था भाई, तो माई रानी के साथ पूजने लग गया। अब भाई मुस्लिमों में क्या चढ़ता है, मेरी बात सुनना, मुस्लिमों आप मस्जिदों में देखो वो सूअर भी चढ़ता है, बकरा भी चढ़ता है, अलग अलग उनके वो भाई, मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं क्या चढ़ाते क्या नहीं, पर मुर्गा हो गया बकरा हो गया ये सारी चीजें तो उनके उनसे चढ़ती है भाई, और देखते भी आप लोग। और अच्छा एक बात बताओ, बावरिया हो गए बावरी राजा थे, देवता नहीं थे वो, एक एरिया के राजा थे, उन्होंने सिद्धि की, साधना की, माता रानी को प्रसन्न किया, खुश किया, खुश करने के बाद उनको वरदान मिला, उनको कलवे मिले, उनको योगनिया मिली, भैरव की सिद्धि की उन्होंने, गोगा जारवीर से उनको शक्तियां प्राप्त हुई, माता मसानी से उनको शक्तियां प्राप्त हुई, वो माता मसानी के सेवक थे भाई जी। तो माता मसानी बोला जा आज से मेरे साथ तुम भी चलोगे, क्योंकि माता वरदान देने में माहिर थी, और क्योंकि हम माता को खुश करते हैं, माँ के सामने माता अपने माँ की तरह हम उनकी सेवा करते, मुझे माता तो खुश होगी भाई, आप कोई किसी भी शक्ति की साधना करते खुश होगी। तो राजा महाराजा थे, जो जब उन्होंने सिद्धि की वो भी भाई शाकाहारी रहते, सात्विक रहते थे, कभी भी आपने देख लेना सबल सिंह बावरी, केसरमल बावरी ने आपने जब भी साधना की हो क्या वो कभी तामसिक भोग सेवन की, और राजा थे महाराजा थे, ड्रिंक्स दारू वगैरह का सेवन करते थे, हुक्का पीते थे, क्योंकि बड़े बड़े शौक होते थे और उनको एक सिद्धि साधना का भी शौक था, जब भी तो उनको वरदान मिले थे। गोगा झारवीर थे तो भाई दो भाई तीन भाई है, तो दो तो गर्दन कट के मर गए थे भाई जी, जिनका खुद गर्दन गोगा झारवीर ने काटी थी, और एक गोगा झारवीर थे जो वीर कहलाए क्योंकि इन्होंने भक्ति का रास्ता चुना था, इन्हें अपने गुरु के वचनों का ध्यान रखा था, गुरु गोरखनाथ जिनके वचन थे भाई, गुरु थे भाई, जिन्होंने इनको वरदान दिया था। तो ये राजा महाराजा थे, इनके शौक थे भाई जी। तो कभी मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं भाई माता मसानी को आप मुर्गा दिया हो, आप माता मसानी को बकरा दिया हो, आप ठीक हो जाओगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपके घर में बावरी नहीं पूजते या जो गोगा जारवीर नहीं पूजते, या फिर आपके गोगा जारवीर मीठे पे पूजते हो, बावरी मीठे पे पूजते हो,
ठीक है मेरी बात सुनना, जो मीठे पे चलाते आ रहे थे तो भाई वो लोग करते क्या, उनको कोई भी मसानी क्रिया होगी तो आप किसी भगत के पास जाते हो, भाई आपके ऊपर तो मसानी रोग है, और भाई मान के चले आपके घर में बावया नहीं पूजते और आप गलती है माता मसानी पे मुर्गिया या बकरा दियाते हो, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते भाई, कभी भी ठीक नहीं हो सकते जिंदगी में। आप एक साल दो साल के लिए ठीक रहोगे पर आपकी हालात और भी खराब होते चले जाएंगे। हाँ ठीक होने का चांस किस केस में होता, मेरी बात सुनना, जिनके घर में बावरी चलते हैं वो भी तामसिक पे, जो तम राजा महाराजा थे इनका सेवन मैं कह सकता हूं भाई आप कर सकते हो, राजा महाराजा थे ये एक ऐसी शक्तियां थी, आजकल आपने देखा होगा कि चौकी पे जाते हो भाई जाते कहते तुम्हारे घर में कोई भगत था, तुम्हारे घर में कोई भगत था, उस भगत ने सिद्धि कर रखी थी, साधना कर रखी थी, उनकी शक्तियां तुम्हारे ऊपर चल रही है और वो भगत आता है तुम्हारे ऊपर, तो आपने देखा होगा ना भगत आता आपके ऊपर कहीं से चौकी पे जाते हो तो आप, उसी तरीके से बावरी जो थे पांचू वो भगत थे माता रानी के, बाबा के भगत थे, उन्होंने सिद्धि की साधना की इसलिए पूजनीय हो गए भाई। आजकल आप हर गांव में जाओगे, आप कहीं भी हरियाणा साइड राजस्थान जाओगे ना तो आसपास गवांड में एक ऐसा बाबा जरूर मिलेगा जो तपस्वी था, जो जिंदगी जीतते थे उन्होंने अपनी तपस्या की और उनके जब शरीर का अंतिम संस्कार हुआ तो पूजनीय हो गए, गांव वालों के काम होने लग गए उनके सामने माथा झुकाने से। और ऐसे कितने बताऊं आपको, बुल्ट वाले बाबा देख लो आप, बावरी बाबा देख लो आप, तो कितने ऐसी शक्तियां भाई हर गांव में एक होंगे, कोई दादा सैयद के नाम से कहता हो, कोई भाई दादा प्रभु के नाम से कहता हो, सैयद वाले बाबा कहता हो भाई, जो हमारे हिंदुओं में भाई जी जिन्होंने समाधि ले ली थी जीतते जी, हिंदू धर्म में समाधि ले लेते तो हम सैयद कहने लग जाते हैं भाई, पीर कहने लग जाते हैं, तो है ना इसी तरीके से बावरी भी पूजनीय थे, पर थे राजा शौक थे भाई उनके। आजकल कितने ऐसे भगत है भाई जी जो कहते भाई मैं सात्विक हूं पर मैं हुक्का पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, सिगरेट पीता हूं भाई, मैं सेवन करता हूं, है ना ऐसे कही ऐसे भगत है भाई जो कोई दारू भी पीता है भक्ति भी करता है भाई, ऐसे भगत जो अपनी भक्ति में हर चीज का करते, खाली वो दो दिन का नियम का परहेज करते हैं, मंगलवार और शनिवार और दिन वो सारी चीज खाते हैं भाई, कितने भगत है। कोई भगत के चौकी पे जाते तो वो भी कहता है भाई आपको मंगलवार शनिवार का परहेज करना और दिन आप प्याज खा सकते हो, है भाई अलग अलग तरह की सिद्धि या साधना है किस तरीके की आप कर रहे हो, पर कभी भी हमारी सर्व शक्तियां जिन्हें खुद एक शक्ति का वरदान है वो कभी भी ये चीज का सेवन नहीं करती। कोई आपसे ये कहेगी आपको भाई माता मसानी पे मुर्गा चढ़ाना बकरा चढ़ाना है, माता रानी वो मांग रही है, माता रानी वो मांग रही है, तो कभी भी ये गलती मत करना भाई जी। कई बार आप भक्तों के चक्कर में आ जाते हो, जाल में फंस जाते हो और भगत सवारी लेके ये चीज कहते हैं कि मेरे को मुर्गा देगी जब भी मैं तेरा संकट काटूंगी, भगत लोग कहते हैं ये चीज। आप एक बात पूछना उन भक्तों से जो ये कहते हैं कि पहले मेरे को मुर्गा दे, मैं उनको ये बात ना कि मैंने आज तक कभी भी माई रानी को मुर्गा दिया नहीं तो मैं अब क्यों दूंगी मुर्गा, अब मैं क्यों दूंगी, वो कहेगी नहीं देना पड़ेगा जब भी मैं संकट तेरा काटूंगी, तो फिर आप ये पूछ लेना भाई जी कि मैं तेरे घर की बेटी नहीं हूं क्या, मैं तेरी बेटी नहीं हूं या मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मैं कहता हूं कोई भी माई रानी की शक्ति माता मसानी हो, क्योंकि माता शीतला का ही रूप है और माता शीतला से बड़ी मसानी कौन है भाई जी, सबसे बड़ी मसानी है और सबसे बड़ी मसानी होने का इनकी जो बहन है भाई बुद्धो माता। आप बुद्धो माता के बारे में ज्यादा जानते नहीं होंगे पर वो तो भाई सर्व मसानियों को कंट्रोल कर लेती भाई जी और सात्विक रूप में चलती है, पर भक्तों के साथ जब जोड़े में माता मसानी केसरमल चलते हैं तो इनका भोग जाता। हम कई बार लड्डू का भोग दिया है हमारे दिक्कत हो जाती है, हमने माता मसानी का भोग क्या, पहले आप ये समझो माता मसानी का भोग क्या है। माता मसानी का भोग पतासे पान पेड़ा आपकी कच्ची लपसी गुलगुले पूड़े ये भोग है भाई माता मसानी के। सब्जी पूरी का आपका भोग लगा सकते हो भाई, छोले की सब्जी हो गई, नौ कन्या जो हम जमाते हैं, किन किन के घर की कुल की देवी माता शीतला भाई जी, आप नौ दिन के व्रत रखते हो माता शीतला के, आप माता शीतला के जो भी तामसिक लोग है एक बात सुनना मेरी बात, जो तामसिक लोग है जब हम नवरात्र की बारी आ जाती है क्यों हम मांस मुट्ठी बंद कर देते हैं फिर भाई, क्यों ना हम उनका सेवन करते, हमारी कुलदेवी पे तो चढ़ता हम खाना चाहिए, खाना चाहिए भाई कुलदेवी पे चढ़ता, आपके कुलदेवी के व्रत आते हैं नवरात्र क्यों नहीं करते, फिर क्यों नहीं करते भाई ये चीजें। माता रानी मुद्दा मार देगी, पलट के धर देगी पलट के। जो लोग गलत तरीके से चौकियों पे बैठ के गलत ज्ञान दे रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई तू ये मुर्गा दे दे ये दे दे, सात्विक बनो भाई। मैं ये कहता हूं अपने हिंदू धर्म में सात्विक रहना ही बताया गया है और जितना आप सात्विक रहोगे जितने आप सात्विक रहोगे पूजा करोगे उतनी ही अच्छी शक्ति आपको प्राप्त होगी, उतनी ही अच्छा आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि सात्विक में जो शक्ति है भक्ति है वो तामसिक में भी नहीं है। अगर यकीन ना होता हो ना मेरी बात पे तो एक कार्य कर लेना, एक तरफ एक सेब रख लेना और एक तरफ एक मांस का टुकड़ा रख लेना, मांस का टुकड़ा कितने दिन चलता है सेब कितने जल्द वो करता है, मांस जहां रखोगे ना वहां आसपास में स्मेल बदबू आने लग जाएगी, बदबू मारने लग जाएगा एरिया, और जहां सेब रखी होगी ना
वो सेब आप दो दिन तीन दिन बाद भी खा लेना, वो खराब नहीं होगी, पर मास्क 12 घंटे के अंदर ही खराब हो जाएगा। अगर इतना ही अच्छा तामसिक होता तो खराब क्यों होता भाई? और सातवीं की लाइफ है ना जो सदाबहार है, आज आप भक्ति कर रहे हो तो परिवार में आने वाले समय में किसको परेशान नहीं करती, और जो हम तामसिक भक्ति करते हैं ना, आज आप भोग मत देना, कल आपको परेशान होना ही होना है, क्योंकि तामसिक भोग पे मैं लिख के देता हूं, कभी भी माँ काली हम कहते हैं या माता मसानी कहते हैं, कभी भी कार्य नहीं करती। माता रानी के जो दूत होते हैं, गण होते हैं, वे आगे बढ़ के कार्य करते हैं। और कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि अगर माता रानी नहीं लेती तो माता रानी ऐसे गण रखते क्यों है अपने पास जो तामसिक सेवन करते हैं? तो आप लोगों को एक जवाब दे दूं, अपनी माँ से पूछ के देख लेना। जो लोग घर में दारू पी के आते हैं, कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और जैसे उसका नशा उतरता, माई रानी कहती है आ जा मेरे बेटे, समझ जा, सुधर जा। माँ अपने बच्चों को सुधार देती है भाई, पर क्या करे, जो एक बार बार पी के आ रहे हो, तो माँ है ना, वो आपके लिए भी वैसी है, उसके लिए भी वैसी है। माई रानी को तो आशीर्वाद देना है, माई रानी को चलाना है, सत्या चलाएं, सात्विक पे चलाओ, भावरी रहे, लड्डू पे चलते भाई, पंचायती आदमी है, नशे में रखोगे तो नशे वाला काम होगा भाई। आप दो, मैं ये नहीं कहता नहीं देना, जैसा उनका भोग वैसा आप दो, जिस तरीके से आपके घर में चले उस तरीके से पूजा करो, पर किसी भगत के कहने पे कोई नई लाग बिल्कुल भी मत लगाओ कि मेरे को मुर्गा देना, मच्छी देने, भाई जो देते हैं दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दो। मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों तक बातें फैलाना। मैं कहता हूं, मैं लिख के देता हूं, कोई कहता ना मैं तामसिक हूं, और कोई मैं कहता हूं सात्विक है भाई, कोई कहता हूं सात्विक का तामसिक बिड़ा के देख लो, दो भक्तन है, सात्विक वाला ही ऊपर रहेगा, तामसिक भोग एक बार दे देगा। मैं आपको बताऊं सात्विक वाला क्या है, आज उसने पेड़ बो दिया ना, पेड़ बो दिया तो पेड़ धीरे 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 करके बड़ा होगा, जब वो बड़ा होगा ना, वो फल भी देगा और आपको छाव भी देगा और आपको शुद्ध हवा भी देगा, गर्मी में आपको ठंडक भी देगा। तामसिक क्या है, तामसिक आज बकरा दे दियो, कितना तो उगेगा, मेरी बात सुनना, ना तो उगेगा, ना तो वो छाव देगा, ना ही कुछ और देगा, वो खाली पेट ही भर सकता है आपका। तो लोगों को खुशी होती है तामसिक भोग देके, ओह मेरा कार्य हो गया, वो कार्य एक कार्य ही किया आपका, एक कार्य ही हुआ आपका जो आपने तामसिक सेवन किया, ओह मुझे नौकरी नहीं लग रही थी, मैं माँ को मुर्गा दिया है, पर वो मुर्गा जब आपकी नौकरी में अड़चन आएगी, फिर आपको भोग देना पड़ेगा तामसिक, फिर आपकी दिक्कत प्रमोशन होगा, फिर आपको भोग देना होगा तामसिक। पर सात्विक में क्या है, आज मैं एक सेब का जो बीज है वो गिर देता हूं, वो धीरे 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 करके बड़ा होगा, और बड़ा होगा छाव भी देगा और फल भी देगा, उस फल उस पेड़ पे लगने वाले फल कितनों के पेट भरेंगे भाई। जो सात्विक भक्ति का मजा है, सात्विक भक्ति का मजा ही कुछ हो रहा है भाई। करो, सीखो कुछ, अगर अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दो, और माता मसानी के लिए आज के बाद ये कभी मत बोलना कि माता रानी तामसिक भोग स्वीकार करती है। जिन जिन लोगों के ऊपर माता मसानी है और जो कहते हैं भाई तामसिक भोग मांगा नहीं, मैं लिख के देता हूं, माता मसानी है ही नहीं भाई। कोई आके शरीर पे कहता है मैं मसानी हूं, मेरे को ये दे दे, आपके शरीर पे भी आके, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपके शरीर पे माता मसानी है ही नहीं। उनसे पूछ लेना, अगर तू माता मसानी है तो तेरे इष्ट कौन है, और कभी उन्होंने इस चीज का सेवन किया है जो आज तुम कर रहे हो, बोलती बंद हो जाएगी भाई। तो सात्विक रहो, अच्छा खाओ, अच्छा प्यारो। अगर माता रानी इतने ही मुर्गा मच्छी ग्रहण करती ना, तो माँ वैष्णो देवी जाके देखो, वहां खुद माँ वैष्णो विराजमान है, माँ काली के साथ तीन पहाड़ पे भाई, वहां आप जाते हो जब शांति सर से क्रॉस करके, वहां खुद भाई माँ काली विराजमान है माँ वैष्णो के साथ, तो वहां जाके एक बार देखो तो सही, कितने वहां पे भाई प्याज लहसुन वाले भंडारे होते हैं और कितने वहां पर मुर्गा चढ़ते हैं भाई। इतिहास जानो, देखो भाई कुछ, आप वैष्णो हो, हिंदू हो, सनातनी हो, तो अपने धर्म के बारे में जानो तो सही, कितना आप तामसिक हो, कितने ऐसे, कितने माँ के इतिहास है, कितने मंदिर है। तो माई रानी कभी नहीं कहती कि आप मेरे बेटे की औलाद को जिसको मैंने बनाया उसकी ही बलि मुझे दे रहे हो, सुधर जाओ, अच्छा रहेगा, मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव, शाम को लाइव में मिलते हो।